गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की ईवीएस का सब्जेक्ट है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें करना है सम प्लांट्स ग्रो बिग से हमें पढ़ना है. पेज नंबर 169 है, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखना है और इनको समझने की कोशिश भी करना है. सम एनिमल्स ग्रो बिग, सम प्लांट्स ग्रो बिग. कुछ प्लांट जो है वो बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है, यानी इनकी ग्रोथ जो है बड़ा होता है. सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल, कुछ प्लांट जो है वो स्मॉल यानी छोटा ही रहता है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कोकोनट का ट्री कितना बड़ा है. अब यहाँ देख सकते हैं ये कैक्टस का है प्लांट, तो कैक्टस कितना छोटा है. इसी तरह कुछ प्लांट जो है इनकी ग्रोथ छोटा होता है, कुछ प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बड़ा होता है. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़ा ट्री प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं, यानी दरख्त. दीज ट्रीज आर टाल एंड स्ट्रॉन्ग. ट्रीज जो है वो हमेशा लंबा होता है और ताकतवर होता है. ये सब क्या है, नीम, ये सब ट्रीज है. ठीक है, ये आप देख सकते, ये बहुत लंबा भी है और ये स्ट्रॉन्ग भी है. ठीक है, नीम का, मैंगो का और ये पाइन का है. सम प्लांट्स आर वीक, कुछ प्लांट तो बहुत नाजुक होता है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, ये खुद स्टैंड नहीं हो पाते हैं, यानी खड़ा नहीं रह पाते हैं. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर. जैसे कि यहाँ पे ग्रैप वैन है, स्वीट पी है और बीन है. इनको हमें घर पे, हमारे घर पे भी होता है. इनको हम कुछ लकड़ी दे के इनको हम क्या करते हैं, खड़ा रखते हैं. तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद है लीव्स, पत्ता, पत्ते. सम प्लांट्स है बिग लीव्स, कुछ प्लांट्स के पत्ते जो है वो बड़ा होता है. सम प्लांट्स है स्मॉल लीव्स, कुछ प्लांट्स के पत्ते जो है वो छोटा होता है. जैसे कि ये है मैंगो, बनाना का, लोटस का और ये क्या है, नीम का. नीम का पत्ता छोटा है, देखिए लोटस का कितना बड़ा है और ये बनाना का भी है. और थ्रोन्स, सम प्लांट्स हैव थ्रोन्स, कुछ प्लांट्स पे क्या होता है, थ्रोन्स होता है. ठीक है, सम प्लांट्स हैव थ्रोन्स, कुछ प्लांट्स पे थ्रोन, थ्रोन मीन्स कांटा है ना. आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स पे कांटे होते हैं, है ना. जैसे कि यहाँ रोज़ है, रोज़ के अगर इन पे देखेंगे तो आप इन पे देखेंगे कांटे. ठीक है, इन पे ये कैक्टस है, कैक्टस प्लांट पे भी ये होता है, थ्रोन्स होता है, यानी कांटे होता है. प्लांट सच एज द वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर, ये बोल रही है कि प्लांट जैसे कि वाटर लिली, जैसे कि लोटस, ये दोनों कहाँ ग्रो हो जाता है, प्लांट वाटर में, वाटर में ही ये अपना ग्रोथ करते हैं. हाउ डू प्लांट्स ग्रो, तो ये प्लांट्स कैसे ग्रो हो जाता है, कैसे बड़ा हो जाता है. मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लोवर, ज़्यादातर प्लांट्स पे फ्लोवर्स आते हैं, यानी फूल आते हैं. लोटस का देखिए, ये लोटस का फ्लोर है, ये रोज़ का फ्लोर है, ये सन फ्लोर का फ्लोर है. ठीक है, सम फ्लोर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लोर जो है वो चेंज होके फ्रूट बनते हैं. जैसे कि हमारी एप्रिकॉट, पहले वहाँ पे फूल आता है ना, फिर ये चेंज किस में होता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है. ठीक है, इस तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जिस पे फूल आते हैं, बाद में वो फ्रूट में चेंज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, पहला ऐसा है पी पोड का, कैसा होता है, पहला ये इसका फ्लोर है, फिर ऐसा होता है, फिर ये क्या किस में चेंज हो गया, देखो है ना, ऐसे फ्रूट में चेंज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद है, तो इतना ही करेंगे आज हम. आप लोग क्या करना, इनको यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करना और दो तीन बार इनको अच्छे से घर पे पढ़ना है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच.